गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट बेटा क्लास एट्थ। आज की क्लास में हम आपको मैथ्स की चैप्टर टू, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 का आपका क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, वाई की वैल्यू, जेड की एंड टी की। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपका एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो आप एक्स को यहीं रहने दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू सेवन। अब ये माइनस टू है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सेवन और टू को हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, नाइन। तो एक्स इज इक्वल टू नाइन। सेकेंड है आपका वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन। आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू टेन। प्लस थ्री था, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस थ्री। टेन में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेवन। ठीक है, थर्ड है आपका सिक्स इज इक्वल टू जेड प्लस टू। आपको z की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आप z को यहीं रहने दोगे, सिक्स आपका एज इट इज़ रहेगा। प्लस टू इक्वल के इधर आएगा तो माइनस टू। सिक्स में से टू जाएंगे तो फोर बचेंगे, z इज इक्वल टू फोर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका थ्री बाय सेवन प्लस एक्स इज इक्वल टू सेवनटीन बाय सेवन। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें, आपको एक्स फाइंड करना है, आप एक्स को यहीं रहने दोगे। इज इक्वल टू सेवनटीन बाय सेवन भी आपका एज इट इज़ रहेगा। प्लस थ्री बाय सेवन इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस थ्री बाय सेवन। आप सेवन और सेवन का एलसीएम लोगे तो आपको सेवन एलसीएम मिलेगा। सेवन का सेवन में डिवाइड देते हैं तो वन आता है। वन का आप सेवनटीन में मल्टीप्लाई करोगे तो सेवनटीन, माइनस सेवन का सेवन में डिवाइड वन, वन का थ्री में मल्टीप्लाई थ्री। सेवनटीन में से आप थ्री को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फोर्टीन बाय सेवन। ठीक है, कैंसिल नहीं होता है तो आपका आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वन अगर कैंसिल होता है तो सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, एक्स इज इक्वल टू टू। फिफ्थ है आपका सिक्स एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ पर, आपको एक्स की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, एक्स आप यहीं रहने दोगे, 12 आपका एज इट इज़ रहेगा। ये 6 अभी आपका मल्टीप्लाई में है, प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। अब मल्टीप्लाई में रहेगा तो किस में आ जाएगा, वो डिवाइड में। 12 बाय 6, 6 वन ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, तो एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है टी बाय 5 इज इक्वल टू 10। मल्टीप्लाई में रहते हैं तो डिवाइड में आ जाता है। अब डिवाइड में रहेगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। टी इज इक्वल टू 10 आपका एज इट इज़ रहेगा, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 का 5 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 2x बाय 3 इज इक्वल टू 18। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ पर आपको डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगी। 2 वन ज़ा 2, 2 नाइन ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.6 इज इक्वल टू y बाय 1.5। आपको y की वैल्यू फाइंड करना है तो आप y को यहीं रहने दोगे। 1.5 आपका डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आप डेसिमल रिमूव करोगे, ठीक है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स रहते हैं उतने हमारे ज़ीरो आते हैं। अब डेसिमल के बाद क्या है, वन नंबर है तो वन ज़ीरो टेन, यहाँ पर भी वन नंबर है तो वन ज़ीरो टेन। ठीक है, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू फाइव ज़ा टेन, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन। अब एट थ्री ज़ा 24, फाइव टू ज़ा 10। अब यहाँ पर डेसिमल कितने नंबर्स के बाद लगेगा, 10 रहता है मतलब 10। ठीक है, तो पीछे से क्या होगा, वन नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। यहाँ पर 100 होता तो 0.24। ठीक है, अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, 7x को आप यहीं रहने दोगे। 16 माइनस नाइन इधर आके प्लस नाइन हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू 16 प्लस नाइन कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, 25 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। कैंसिल नहीं होंगे तो 25 बाय 7 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 14 बाय माइनस 8 इज इक्वल टू 13। 14 बाय इज इक्वल टू 13, माइनस 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। 14 बाय इज इक्वल टू 21। y 21 बाय 14 अभी मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएगा।
सेवन थ्री ज़ा 21, सेवन टू ज़ा 12, सेवन टू ज़ा 14, 3/2 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 17 प्लस 6 पी इज इक्वल टू 9। अब आपको पी की वैल्यू फाइंड करना है, तो 6 पी आप यहीं रहने दोगे, 9 प्लस 17 है इधर आके माइनस 17, 17 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 8 मिलेगा। साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी रहती है, 17 आपका बड़ा है 9 से, वैल्यू बड़ी रहेगी तो माइनस का 8। अब आपको पी की वैल्यू फाइंड करना है, तो 6 आपका डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 8 बाय 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, माइनस 4 बाय 3 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका एक्स बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बाय 15, एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 7 बाय 15, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, 15 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 15 ही मिलेगा, 7, 15 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा 7, माइनस 1 का डिवाइड 15 में 15, 15 का मल्टीप्लाई 1 में 15, ठीक है, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 बचेगा, माइनस का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की है, बाय 15, कैंसिल करोगे अब आप, माइनस का 8 बाय 15, ये 3 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, माइनस 8 बाय 5 आपका आंसर रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 2.2 को हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे।